हेलो फ्रेंड्स, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल CCNA पार्ट 3। इसमें सबसे पहले मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ नेटवर्क में, तो आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझा दूँ। पैन यानी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहले इनके फुल फॉर्म बता दूँ, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आपका वैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये वायरलेस लैन है। इसके बाद कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन के दो फुल फॉर्म हम लेके चलेंगे। सैन एक सिस्टम एरिया नेटवर्क होता है और एक स्टोरेज एरिया, दोनों को डिफरेंशिएट करके समझाता हूँ। इसके बाद होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, POLAN, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क ये आपका EPAN होता है। फिर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इन सबको मैं डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताता जाता हूँ कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैन। पैन क्या होता है? पैन बेसिकली एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क देखिए कैसे होता है। इसमें आपके दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं। इस तरह से आप दो कंप्यूटर्स को लेते हैं, दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, जितने भी आप लेना चाहें। इस तरह से आपने लिए, इनको आपस में जोड़ा आपने। इसमें आप बेसिकली वायरलेस मॉडम का यूज़ कर सकते हैं। दो फ़ोन्स हो सकते हैं, दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, फ़ोन्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं। ये पूरा जो भी इंसान बैठा है उसके सामने आपका क्या होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है और वहाँ पर वो काम कर रहा होता है। पैन इज मेड अप ऑफ वायरलेस मॉडम, कंप्यूटर्स, फोन्स, प्रिंटर्स, टैबलेट्स एटसेट्रा। रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्सन इन वन बिल्डिंग। तो पैन यानी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको कहते हैं हम पैन। इसमें एक या दो, एक मतलब इसमें दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पर ये पर्सनल होगा और इसका यूज़ करके वो पर्सनली अपना काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको एक आदमी संभालता है और अपना काम इसमें कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पैन। पैन के बाद आता है अगला जो है उसको हम कहते हैं लैन। लैन क्या होता है वो देखिए। लैन यानी होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली एक, जैसे आप इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं, मतलब रेंज क्या होती है इसकी, नॉर्मली एक रूम को हम लेके चलते हैं। इस तरह से सारे कंप्यूटर्स को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक स्विच लगा लेते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विच, नॉर्मली कैफेज में लगे होते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ADSL से आप क्या करते हैं, स्विच को भी इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कनेक्टिविटी होता है। इसमें आप प्रिंटर शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर में आपका प्रिंटर शेयर हो जाएगा, हार्ड डिस्क शेयर हो जाएगी, DVD राइटर शेयर हो जाएगा, और इंटरनेट लगा के आप इसमें अपना इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कई सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 4, 8, 16, 32 जितने का स्विच है। इस तो लैन का जो बेसिक कंसेप्ट है, लैन वायर्ड भी हो सकता है, मतलब या फिर वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस में हम फिर वाईफाई का यूज़ करते हैं, इनमें भी सब में लैन कार्ड जो लगेंगे वो फिर वाईफाई वाले लगेंगे। तो ये होता है आपका लैन। लैन के बाद आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसी में हम अगर वाईफाई लगा लें, मतलब इसमें वायरलेस कर दें, वाईफाई लगा दें, ये केबल्स हटा दें, सब पे लैन कार्ड वायरलेस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वायरलेस लैन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपका वायरलेस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसको हम वायरलेस एरिया करते हैं। बिल्कुल फंक्शन करता है लैन की तरह ही, और सिर्फ इसमें डाटा कम्युनिकेशन वायरलेस हो जाता है, जैसे वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। टोटली सीन इन द सेम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस एज लैन। तो ये आपका, इसमें और कुछ अधिक एक्स्ट्रा फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें आपका क्या है, जो नेटवर्क बना हुआ है, जैसे यहाँ पर आपके बने, यहाँ पर आपके बने, इस तरह से कमरे वाइज आप इसको नेटवर्क में लेते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। इनका दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर टिपिकली, जैसे आपका यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर होते हैं। ये लैन से बड़े होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन मैन से क्या होता है, थोड़ा सा छोटे होते हैं। मेंस यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो सिटी के अंदर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बिल्डिंग के अंदर जो होता है इसको कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं कैन, ठीक है। तो ये था आपका कैन। कैन के बाद आता है जो अगला होता है उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। अब मैन में क्या होता है, इसमें जैसे आपका मैन अगर हम देखें तो वैन से छोटा होगा, लेकिन लैन से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये बेसिकली एक शहर के अंदर होता है, और ये नॉर्मली इसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क विद इन सिटी, जोग्राफिकल बाउंड्री में जाएंगे तो ये सिटी में हो सकता है, किसी टाउन में हो सकता है, इसको बेसिकली कोई एक सिंगल आदमी भी हैंडल कर सकता है और कई लोग भी इसमें लग के काम कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है वैन। वैन क्या होता है? वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। जब भी आप लैन में इंटरनेट लगा देते हैं, मतलब जिसकी जो सीमा है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, तो उसको बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है, जो कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर टुगेदर अराउंड द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ अ वैन वास्ट रीच इज टिपिकली ओन्ड एंड मेंटेन बाय मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर और द पब्लिक, मतलब इसमें कई सारे लोग लगे होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इसको कहते हैं वैन। वैन के बाद एक और आता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, वो भी वैन में ही हम ले लेते हैं जो पूरे वर्ल्ड में होता है। तो वैन का नाम कई राइटर्स गैन भी बोल सकते हैं और कई राइटर्स इसको वैन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली इसमें इंटरनेट शामिल हो जाएगा, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, जापान, इन सब में क्या हो जाता है, जैसे इंटरनेट आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सैन। सैन बेसिकली क्या होता है? सैन को हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसमें कई सारे ग्रुप्स ऑफ सर्वर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है डाटा स्टोर करके रखना और फिर उसको वर्ल्ड वाइड क्या करना, स्प्रेड करना। एज अ डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट शेयर्ड पूल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस टू सेवरल सर्वर्स, दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डोंट रिले ऑन लैन और वैन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। दे मूव स्टोरेज रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्लेस देम इनटू देयर ओन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क। सैन कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम फैशन एज ड्राइव अटैच्ड टू अ सर्वर, मतलब कई सारे सर्वर्स का हम पूल बना लेते हैं और फिर पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्टोरिंग का जो भी स्टोरेज है उसको क्या करता है, देता जाता है। तो मतलब जहाँ पर सारा डाटा का स्टोरेज हो रहा है उसको हम बोल देते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। फिर होता है एक और होता है सैन में, सैन ये तो हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक और सैन को हम बोलते हैं सिस्टम एरिया नेटवर्क। दिस टर्म इज़ फेयरली न्यू, मतलब अगर हम बोलें तो ये बिल्कुल नया है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन रिलेटिवली लोकल नेटवर्क दैट इज़ डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन इन सर्वर टू सर्वर एप्लीकेशंस। तो ये आपका सैन में भी यही होगा और ये क्या करेगा, एंड प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन। द कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन सैन ऑपरेट्स एज अ सिंगल सिस्टम एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसका मेन काम ये होता है, इसको कहते हैं सिस्टम एरिया नेटवर्क। इसके बाद होता है पीओ लैन होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं डेफिनेशन इसकी बोल रहा हूँ। एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्विचेस बेस्ड इथरनेट, पीओ लैन टेक्नोलॉजीज कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू स्ट्रक्चर्ड केबलिंग टू ओवरकम कंसर्न अबाउट सपोर्टिंग ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क एप्लीकेशन सच एज पीओई पावर ओवर इथरनेट। अ पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट लैन आर्किटेक्चर, पीओ लैन यूजेस ऑप्टिकल स्प्लिटर्स टू स्प्लिट एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन स्टैंडर्ड ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर इंटू मल्टीपल सिग्नल्स टू सर्वर यूजर्स एंड डिवाइसेस, मतलब इसे मल्टी स्प्लिटर लगा के फिर क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ करके आगे भेजते हैं। तो ये बेसिकली पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, ये मतलब बड़े लेवलों पर यूज़ होने वाला नेटवर्क कहलाता है। फिर होता है एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क, इसको हम क्या कहते हैं, ईपीएन। इसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े जितने भी एंटरप्राइजेस हैं वो अपना प्राइवेट एक तरीके से नेटवर्क बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर बिल्ट एंड ओन्ड बाय बिजनेसमैन, ठीक है, जितने भी बिजनेसेस हैं या बिजनेसमैन हैं वो इसको मेंटेन करते हैं, वो अपना डाटा सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईपीएन, एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क। अब वो अलग अलग लोकेशंस पर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना चाहते हैं तो ये इस तरह के ईपीएन होते हैं। इसमें क्या होता है, ताकि हमले जो हो सकते हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, वो इससे बचा रहे, तो इसको बोलते हैं ईपीएन। फिर लास्ट में आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, मतलब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीसीएनपी में भी। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऐसा समझिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू यूज़ भेजना चाहते हैं लेकिन वो प्राइवेट रहे, कोई उसको समझ ना पाए, तो इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पर एक सप्लाई चल रही है, यहाँ से वाटर सप्लाई जा रही है, ठीक है,
अब आपने इसके बीच में एक और छोटा सा पाइप लगा दिया और यहाँ से आप मिल्क की सप्लाई कर रहे हो, तो अटैकर्स क्या करेगा, वो सोच रहा है क्या जा रहा है पानी की सप्लाई, और अंदर आप क्या कर सकते हो उसको छुपा के अपना जो क्रूशियल डाटा उसको आप भेज सकते हो। तो ये बेसिकली होता है आपका क्या, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का बेसिक यूज़ यही हो गया कि VPN lets its user send and receive data as if their devices were connected to the private network, even if they are not. Through a virtual point-to-point connections, users can access a private network remotely. मतलब इंटरनेट का यूज़ भी हो जाएगा और उसमें प्राइवेट भी हो जाएगा और सामने वाले को पता भी नहीं, तो ये कहलाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। LAN एक बार फिर से बता देता हूँ, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मेन काम होता है विद इन रूम होता है, इसकी रेंज रूम में ही रहेगी, रूम से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद होता है PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें दो कंप्यूटर चार कंप्यूटर आपने लगाए और अपना पर्सनली काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये LAN का एग्जांपल इंटरनेट कैफे, PAN कोई भी एंड यूज़र अपना बना सकता है। इसके बाद आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब LAN में आप वायरलेस लगा देंगे तो वायरलेस हो जाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी भी स्कूल का कॉलेज का वो कैंपस एरिया नेटवर्क जो रूम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो सिटी के अंदर है। वाइड एरिया नेटवर्क या ग्लोबल एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में उसका एग्जांपल इंटरनेट है। फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जहाँ पर सर्वर्स हैं जिनमें डाटा स्टोरेज है और उनका पूरा आपस में वो जुड़े हैं और फिर उस डाटा को शेयर कराते हैं, तो वो कहलाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके बाद सिस्टम एरिया नेटवर्क था, फिर पैसिव ऑप्टिकल एरिया नेटवर्क मैं आपको समझा चुका, एंटरप्राइजेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क मतलब एंटरप्राइजेस द्वारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेटा को इंटरनेट का यूज़ करके उसको प्राइवेटली सेंड करना ताकि किसी को पता ना चले, अटैक्स ना हो सके। तो VPN तो लास्ट था वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो ये थे LAN, MAN और WAN, SAN, तो इनको आप याद रखिएगा ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स में नॉर्मली जो LAN होगा वो कोई भी कैफ़े में आप जाके देख सकते हैं। तो ये थे आपका वीडियो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो CCNA पार्ट 4 में हम आगे और इसके बढ़ेंगे।